वेल सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे दोस्तों आप सभी लोग मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को यस yes, बेटा बताइए क्लियर आ रही है आवाज सभी को यस प्लीज रिप्लाई बेटा वेरी गुड वेरी गुड तो चलिए ये अमेंडमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट सेशन में हमने कुछ चैप्टर्स के अमेंडमेंट्स कंप्लीट किए और ये सेशन में बाकी के अमेंडमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे फिर आपके जो भी डाउट्स क्वेश्चंस हो गए वो डाउट्स और क्वेश्चंस में ले लूंगा ठीक है तो आर यू रेडी यस और नो चलिए सो यस गुड इवनिंग बेटा अभिषेक शिवम नितिन गुड इवनिंग गुड इवनिंग ओके okay. अब मैं आपको ये कह दूं कि ये लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा जो स्टूडेंट्स के कोई क्वेश्चन हो गए कि सर ये लेक्चर बाद में भी देखने मिलेगा क्या तो यस बिल्कुल आप बाद में भी देख सकते हो ठीक है आ, पर मेरे साथ कर लो फटाफट आपका हो जाएगा यहाँ पे चलिए हमने अमेंडमेंट्स कंप्लीट कर लिया था लास्ट सेशन में आई प्लेस ऑफ सप्लाई पे और प्लेस ऑफ सप्लाई की ये जो अमेंडमेंट्स थी इंटरमीडियरी इस पर जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है ये क्लैरिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ के जाना है अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और वो है टैक्स ओके okay, वो टैक्स इन ठीक है तो फिर से कह दू ये अमेंडमेंट फॉर सी ए सी एस सी एम ए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है अगर कोई स्टूडेंट इंटर का ज्वाइन हुआ होगा तो प्लीज अभी कनेक्ट ना हो आपके क्योंकि मुझे ये जो फाइनल स्टूडेंट्स के लिए अमेंडमेंट्स लेनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए इन बिटवीन कोई भी स्पैम करके या कोई भी सवाल करके प्लीज यहां पे टाइम वेस्ट ना कीजिएगा जो भी अनाउंसमेंट्स ये इंटर की उससे रिलेटेड जल्द ही कल या परसों एक वीडियो आ जाएगा ठीक है डन चलो अब पहले मैं अमेंडमेंट्स कंप्लीट करता हूँ फिर आपके जो भी डाउट्स या क्वेश्चन हो क्वेश्चंस मैं बाद में ले लूंगा टैक्स इनवाइस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है लास्ट टाइम आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे अगर आपका एग्रीगेट टर्न ओवर ध्यान सुनिएगा अगर आपका एग्रीगेट टर्न और ये एग्रीगेट टर्न ओवर यहाँ पे सेवनटीन एटीन एटीन नाइनटीन 1920, ट्वेंटी 20, 2021 ये किसी भी फिनेंशियल ईयर में यहाँ अगर 50 लाख एक्सीड होता है तो आपको करंट फिनेंशियल ईयर समझ लो आपका करंट फिनेंशियल ईयर 21-22 है ओके या 22-23 है वॉट योर इट में भी तो आपका अगर ये फिनेंशियल ईयर है तो ये फिनेंशियल ईयर में ईवे बिल कंपलसरी हो जाएगा तो किसी भी फिनेंशियल ईयर में का है मतलब समझ लो 17, 18 में यहाँ पे आपका 20 लैक्स था यहाँ यहाँ पे 40 लैक्स था फिर 80 लैक्स हुआ फिर वापस 30 लैक्स हुआ इवन दो इमीडिएट प्रसिडिंग फिनेंशियल ईयर में 30 लाख ही था बहुत कम था लेकिन ओके आपके पहले किसी भी प्रसिडिंग फिनेंशियर ओके आपके पहले किसी भी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपने 50 लैक्स क्रॉस कर दिया होगा यानी यस आपने यहाँ पे 80 लैक्स क्रॉस कर दिया है तो ऐसे सिचुएशन में आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में ई e हो जाएगा नौ ये जो रजिस्टर परसन को अप्लीकेबल होगा और इन वॉयस बी टू बी केस में ही अप्लीकेबल होगा बी टू सी ट्रांजेक्शन में अप्लीकेबल नहीं हुआ और ई e इनवाइस का प्रोसीजर ऑलरेडी आपने लास्ट डिस्कशन में कवर कर लिया होगा ओके okay, जो आपको लास्ट एग्जाम में अप्लीकेबल था चलिए अभी कोई सवाल या कोई क्वेश्चन मत पूछिएगा सभी सारे आपके क्वेश्चंस में लास्ट में एंटरटेन करूंगा नाउ इसके एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस थे exceptions क्या था कि अगर आप एसीजेड यूनिट हो बैंक हो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस हो या मल्टीप्लेक्सेस हो तो वो सिचुएशन में इन वॉइस अप्लीकेबल नहीं था इसमें दो चीजें उन्होंने ऐड कर दी है और ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और वो कौन सी दो चीजें ऐड कर दी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल ऑथॉरिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल ऑथॉरिटी जो है ओके ये इनको भी इन वॉइस का कंसेप्ट अप्लीकेबल नहीं होगा इवन दो एग्रीगेट टर्न और दो से लेके उन्नीस तक दो से लेके 19 तक नहीं, कोई भी में, अगर पचास लाख क्रॉस भी होता है तो उन्होंने दो यहाँ पे और, जो और बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस इतना ही किया है उसके बाद में अमेंडमेंट खत्म होगी बस इतनी से ही अमेंडमेंट थी उसके बाद में रिटर्न चैप्टर रिटर्न चैप्टर में आपको याद होगा तो आपने क्यू आर एम पी स्कीम पढ़ी होगी जिसमें आई एफ एफ इन वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी कैसे भी पड़ा होगा हर मंथ का आई एफ एफ आप चाहो तो दे सकते हो और क्वार्टरली पेमेंट आई रिपीट क्यू आर एम पी क्यू आर एम पी स्कीम क्या थी तो क्यू आर एम पी स्कीम अगर आपको यह बहुत अच्छे से पढ़ना है तो मैंने एक समरी वीडियो डाला हुआ है वी स्मार्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे क्यू आर एम पी स्कीम आप सर्च करोगे बाई तो आपको मिल जाएगा और आप उसमें बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हो ओके जो लास्ट एग्जाम को बहुत डिटेल में अप्लीकेबल था और इस बार भी उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं एक थर्टी फाइव मिनट का मैंने बहुत अच्छा समरी वीडियो डाला हुआ है ओके क्यू आर एम पी स्कीम मतलब क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट रिटर्न आप क्वार्टरली दो लेकिन लेकिन पेमेंट आपको मंथली करना पड़ेगा ओके okay, तो यहाँ पे क्यू आर स्कीम में एक कंसेप्ट उन्होंने ऐड किया था और वो था आई एफ एफ सो दैट कि आपका रिसिपियंट जो है मंथली बेसिस पे क्रेडिट ले सके अब ये जो अमेंडमेंट हुई है रूल 59 सब रूल 6 में ओके इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है प्रायोरिटी ए प्लस प्लस सर अमेंडमेंट क्या है ओके okay, अमेंडमेंट यह है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निश्डिंग जीएसटीआर वन एंड आईएफएफ और और आईएफएफ मतलब आपका जीएसटीआर वन या आईएफएफ ब्लॉक कर दिया जाएगा आप फर्निश नहीं कर सकते हो ओके okay, और स्टार्टिंग देखो कैसे की है नॉट विस्टर्निंग टू एनीथिंग कंटेंड इन दिस रूल्स मतलब ओके okay, ये जो 596 है यह सभी रूल्स को ओवरराइड करेगा और यहां पे अगर आप नीचे दिए गए कंडीशंस में आते हैं तो आपकी जीएसटी आर वन और आई एफ एफ ब्लॉक कर दिया जाएगा आप फर्निश नहीं कर सकते हैं। चलो देखते हैं रजिस्टर अगर वो मंथली स्कीम में होगा शैल नॉट बी अलाउड टू तो फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेस सेवन इन जीएसटी आर वन ओके इफ हैज नॉट फर्निश द रिटर्न इन जीएसटी आर थ्री बी फॉर प्रोसीडिंग वन मंथ ओके okay, पहले ऐसा था अमेंडमेंट क्या हुई बेटा अमेंडमेंट थी कि पहले टू मंथ्स वहां पे वर्ड था अब टू मंथ्स की जगह उन्होंने यहां पे लाया वन मंथ यानी पहले अगर आपने पिछले दो महीने के जीएसटीआर आर थ्री भी नहीं दिए क्योंकि आप मंथली स्कीम में हो आप क्यू स्कीम में नहीं हो और पिछले दो महीने के आपने मंथली रिटर्न uh, नहीं दिया तो ब्लॉक होता था यानी तीसरे महीने का या जीएसटी आप नहीं दे सकते थे लेकिन अब देखो क्या हो गया इन्होंने टू मंथ्स की जगह वेरी इंपॉर्टेंट ओके यहाँ पे ये चेंज लाया और टू मंथ्स की जगह वन मंथ कर दिया मतलब मतलब अगर आपने लास्ट रिटर्न नहीं दिया है तो इस बार ना आप जीएसटी आर वन दे सकते हो ना आई एफ एफ दे सकते हो तो अब ये वह वन मंथ लाया अगर रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न

एज वेल एज आप जीएसटी आर भी नहीं दे सकते तो अमेंडमेंट सिर्फ पहले क्लॉज में हुई क्लॉज ए में जहाँ टू मंथ था वहां वन मंथ अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था बेटा यहाँ पे कि पहले जो है आ, रूल एटी सिक्स बी का यानी आप 99 नाइन परसेंट से ज्यादा क्रेडिट यूज नहीं कर सकते ओके okay, तो वो भी अगर रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं किया आपने तो आपके ऊपर जीएसटी आर वन के रिस्ट्रिक्शन थे मतलब अगर आपने पिछले मंथ में पूरा का पूरा क्रेडिट यूज कर लिया और 86 बी के तहत आपने 1 परसेंट कैश रेजर से नहीं पे किया तो आपका जीएसटी आर या आई एफ एफ ब्लॉक हो सकता था लेकिन ओके okay, इंडस्ट्री ने आ, इस कंडीशन को अंड्यू हार्डशिप माना भाई कभी कभी गलती हो जाती है हमने पूरा क्रेडिट ले लिया तो क्या आप हमारा जीएसटी आर और आई एफ एफ ब्लॉक करोगे सही बात नहीं है इसलिए गवर्नमेंट ने ये जो रिस्ट्रिक्शन था 86 बी का ये हटा दिया है मतलब क्या अगर गलती से आपने 99 परसेंट से ज्यादा क्रेडिट यूज कर लिया और आप रूल 86 बी के कंडीशन में आते हो ओके और पूरा क्रेडिट यूज कर लिया और आपने रूल 86 बी की कंडीशन फुलफिल नहीं की तो वो सिचुएशन में ओके आपका जीएसटी आर वन और आई एफ एफ ब्लॉक नहीं किया जाएगा इसके ऊपर एम सी क्यू क्वेश्चन आ सकता है या इसके ऊपर छोटा सा एक दो मार्क का क्वेश्चन आ सकता है तो चलिए वन मंथ के टू मंथ्स की जगह वन मंथ किया गया और ये 99% जो रूल 86 बी का रिस्ट्रिक्शंस है ओके okay, ये रूल 86 बी का रिस्ट्रिक्शंस के वजह से ओके okay, जो जी एस टी आर वन और आई एफ एफ ब्लॉक हो रहा था वो हटाया गया तो चलो ये रिटर्न से रिलेटेड अमेंडमेंट्स थी हाँ एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई बाय फाइनेंस एक्ट 2021 वो ये था कि जो स्टेचुटरी ऑडिट्स थे बाय सी ए सी ए मतलब क्या पहले जो आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देना पड़ता था ये रिकनसिलेशन स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न के साथ ये रिकनसिलेशन स्टेटमेंट सर्टिफाइड बाय चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस अकाउंटेंट ये कंपलसरी था जिसे हम जीएसटी ऑडिट कहते थे रिकनसिलेशन स्टेटमेंट को सर्टिफाई करवाना चार्टेड अकाउंटेंट से या कॉस अकाउंटेंट से ओके तो ये जिसे हम जीएसटी ऑडिट कहते थे ठीक है। नाउ यस uh, yes बेटा आपकी जो भी क्वेश्चन है आखिरी में पूछना लेक्चर सेशन के एंड में पूछना है आपको जस्ट मिनट जस्ट मिनट बेटा तो अब देखो यहाँ पे वो क्या कहते हैं एनुअल रिटर्न जो है यहाँ हर रजिस्टर्ड पर्सन को देना अदर देन आईएसडी, टीडीएस, टीसीएस जो सेक्शन में है सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी शेल्फर्निश एनुअल रिटर्न इनको तो एनुअल रिटर्न देना ही है पर विच में इंक्लूड सेल्फ सर्टिफाइड रिकनसलेशन स्टेटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई है पहले रिकनसिलेशन स्टेटमेंट जो था वो सर्टिफाइड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर मतलब बाय सीए और सी एम तो अब जो सेक्शन थर्टी फाइव फाइव आई रिपीट सेक्शन थर्टी फाइव फाइव यानी जो यहाँ पे जीएसटी ऑडिट का प्रोविजन है वो हटा दिया गया है

और ओके विथ ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर मतलब आपने जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपका ओके इनकम टैक्स का वो भी आपको साथ साथ में देना पड़ेगा बस चेंज इतना हुआ है यहाँ पे कि सेल्फ रिकनसिलेशन स्टेटमेंट सी एस सी एम एस सर्टिफाइड करने के बजाय अब सेल्फ सर्टिफाइड हो, हो, गया है ठीक है उसके बाद में यहाँ पे

कमिश्नर के पास ये पावर है रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल से ये नोटिफाई करे कि कि किन लोगों को एनुअल रिटर्न देने की जरूरत नहीं है और उसके तहत ये पावर यूज करके उन्होंने अप टू टू करोड़ होगा तो वो सिचुएशन में आपको एनुअल रिटर्न देने की जरूरत नहीं है नॉट इम्पोर्टेंट उसके बाद में ये जो है यहां पे रेगुलर में, देगा, okay, में देगा, और गवर्नमेंट सेंट्रल गिटी होगी ये तो बाकी सब आपको पता है बस अमेंडमेंट इतनी हुई कि यहाँ पे सेल्फ सर्टिफाइड रिकनसिलेशन स्टेटमेंट लाया गया है ठीक है ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहां सेक्शन थर्टी फाइव फाइव रीड विथ सेक्शन फोर्टी फोर टू जो यहां reconciliation statement certified in a prescribed form, ये section ही डिलीट कर दिया गया और ये सेक्शन जो डिलीट कर दिया गया सेक्शन थर्टी फाइव फाइव तो अब आपका रिकनसिलेशन स्टेटमेंट सर्टिफाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है that's all okay, तो इतने सी अमेंडमेंट हुई है यहां पे नाउ नेक्स्ट सेक्शन 47 में लेट फी चलो लेट फी पे एक क्लैरिफिकेशन जो मैं पढ़ लेता हूं ठीक है ये भी आपने एग्जाम के लिए पढ़ लेना है लेट uh, फी कब कब लगेगा स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ट सप्लाईजीएसटी आर वन जीएसटी आर वन सेकेंड रिटर्न इंक्लूडिंग क्यू आर एम पी जीएसटी आर थ्री बी जीएसटी आर थ्री बी और फाइनल रिटर्न आपका ओके okay, जो आपका फाइनल रिटर्न जाता है ठीक है तो जीएसटीआर आर सेवन में तो वो फाइनल रिटर्न जो होगा तो फाइनल रिटर्न ये तीन केस में आपको लेट फी लगती है एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल बाय सच पर्सन अंडर द रिस्पेक्टिव टू एच जी एस टी यू टी जी एस टी एज वेल पेनोल्टी लेविएबल अंडर आई जी एस टी शैल बी टोटल ऑफ पेनोल्टी लेविएबल अंडर सी और एच जी एस टी आपको सेक्शन 47 याद होगा तो so सेक्शन 47 में लेट फी दी है आई जी एस टी के लिए 100 रुपीस के लिए. I repeat, 100 रुपीस के, लिए, 100 रुपीस के लिए। और टू हंड्रेड माना जाएगा द लेट फी कैन बी वे पार्शली और फुल्ली एंड गली अब देखो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली सिंस द इंसेप्शन ऑफ जीएसटी लॉ लेट फी इज बिंग रेगुलरली वेड ऑफ बाय देंट्रल और फुल्ली इवन दो प्रोविजन सेक्शन 47 में थी लेट फी की लेकिन ओके okay, तो जहां तक देखा जाए तो इवन दो लेट फी जो थी लेट फी यहां पे एक्ट में प्रिस्क्राइब थी लेकिन कंटिन्यूस वेव की जा रही थी जब से जीएसटी आया फ्रॉम द टैक्स पीरियड जून 2021 ट्वेंटी वन

लेट फी नीचे दिए गए प्रोविजन के हिसाब से लगाई जाएगी इसलिए ये थोड़ी लेट फी आपने पढ़ के जाना है ओके okay, क्यों क्योंकि अब आपको हंड्रेड रुपीज पर डे ओके okay, उसके हिसाब से याद नहीं रखना है ये जो चार्ट नीचे दिया गया ये चार्ट के हिसाब से आपको लेट फी याद रखनी है क्लास ऑफ रजिस्टर पर्सन रजिस्टर पर्सन अ नील आउटवर्ड सप्लाई अमाउंट ऑफ टैक्स इन जी एस टी आर थ्री बी इज नील एज द केस में भी तो उसे पांच सौ रुपए का लेट फी लगेगा जिसमें 250 ऑफ सीजीएसटी, 250 ऑफ एसजीएसटी और 500 हंड्रेड ऑफ आई जी एस टी इतना लेट फी है हंड्रेड रुपीज पर डे नहीं ओके अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हो यानी किसी मंथ का या क्वार्टर का आपका नील रिटर्न है और रिटर्न फाइल करने में आपने लेट कर दिया तो वो सिचुएशन में आपको जो है यहाँ पे आ, लेट फी फ्लैट 500 लगेगी नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोस कवर्ड इन वन अबो मतलब आपका कुछ टैक्स पेबल आ रहा है अगर आपका कुछ टैक्स पेबल आ रहा होगा तो रिटर्न में टैक्स पेबल आ रहा होगा तो एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन और इक्वल्स टू 1.5 करोड़ इन प्रिसींग फाइनेंशियल ईयर तो आपको फ्लैट लेट फीस 2000 है 1000 CGST, 1000 एस और 2000 IGST। अगर प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्न हो डेढ़ करोड़ के नीचे होगा तो फ्लैट लेट फीस जो है ओके आपको यहाँ पे 2000 लगेगी उसके बाद में अगर आपका एग्रीगेट टर्न हो डेढ़ करोड़ के ऊपर और, पा, और पांच करोड़ के नीचे होगा डेढ़ करोड़ के ऊपर और पांच करोड़ के नीचे होगा ओके और लेस देन और इक्वल्स टू फाइव करोड़ सॉरी डेढ़ करोड़ के ऊपर और फाइव करोड़ या उसके नीचे होगा तो आपको जो है लेट फी फाइव थाउजेंड फिक्स रहेगी फिफ्टी परसेंट सी जी एस टी फिफ्टी परसेंट एस जी एस टी लेकिन अगर आपका एग्रीगेट टेन और पांच करोड़ के ऊपर है मतलब आप कैटेगरी वन और टू दोनों में भी नहीं आते और पांच करोड़ के ऊपर है तो सेक्शन फोर्टी सेवन में जो लेट फी है कितना लेट फी है बेटा हंड्रेड रुपीज पर डे ऑफ डिफॉल्ट मैक्सिमम फाइव थाउजेंड ऑफ सी जी एस टी उतना एस जी एस टी और दोनों का टोटल आई जी एस टी ओके उतना लेट फी आपको लगेगा ओके okay, तो वो आपके लिए एक होमवर्क है सेक्शन 47 में जो लेट फी है वो यहाँ पे आपने लिख लेना है यहाँ पे अगर आप वो लेट फी लिखोगे मतलब हंड्रेड रुपीज पर डे ऑफ डिफॉल्ट और मैक्सिम अपू फाइव थाउजेंड तो वो जो है ओके okay, ये लेट फी सी जी एस टी का और एस जी एस टी का वो आप यहाँ पे लिख लो यानी ओके okay, अगर नील रिटर्न होगा तो पांच सौ डेढ़ करोड़ के नीचे प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में फिनेंशियल होगा तो टू थाउजेंड डेढ़ से पांच के बीच में होगा तो फाइव थाउजेंड ओके ये फिक्स रहेगा और अगर पांच करोड़ के ऊपर आपका एग्रीगेट टर्न होगा प्रोसेडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो फिर वो जो सेक्शन फोर्टी सेवन में लेट फी दिया है वो आपको अप्लाई किया जाएगा नाउ अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो मतलब जीएसटीआर फोर यानी लिख दो यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम में हो तो ऐसे केस में अगर आपका नील रिटर्न है तो लेट फी 500 है और अदर देन नील रिटर्न है तो लेट फी आपको दो हजार रुपए है दो हजार रुपए आपको लेट फी लगाई जाएगी और नेक्स्ट फॉर डिले फाइलिंग ऑफ जीएसटी आर सेवन आई रिपीट जीएसटी आर सेवन जो है अगर आप डिले फाइल करते हो आ, आपका टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी अंडर फोर्टी सेवन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टी डी एस अंडर सेक्शन फिफ्टी वन टीडीएस टी डी एस की रिटर्न टाइम पे नहीं दिए टीडीएस के स्टेटमेंट अगर टाइम पे नहीं दिए तो ट्वेंटी फाइव रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच फेल्यूर कंटिन्यू और रुपीज हंड्रेड विच एवर इज लोअर विच एवर इज लोअर उतना लेट फी यहाँ पे लगाया जाएगा और ये लेट फी आपको जो है ये लर्न करना पड़ेगा तो अगर आपके यहाँ पे टी के रिटर्न है स्टेटमेंट्स है और वो आप नहीं दे रहे हो तो ट्वेंटी फाइव रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेल्यूर कंटिन्यू लेकिन मैक्सिमम हंड्रेड रुपीज इतना ही लेट फी लगाया जाएगा ये थोड़ा तो लर्न करके जाना एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके ऊपर कोई डाउट्स या सवाल होगा तो आप यस जरूर पूछ सकते हो यस बताइए बेटा कोई डाउट क्वेश्चन ओके चलो आगे बढ़ते हैं अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड एवे बिल अकाउंट्स में बेटा वही अमेंडमेंट है जो ऑलरेडी मैंने ले लिया और वो है कि सेक्शन थर्टी फाइव फाइव कंप्लीटली ओमिटेड यानी जो यहां पे रिकंसिलियशन स्टेटमेंट ठीक है जो रिकंसिलियेशन स्टेटमेंट दिया गया है तो ये रिकंसिलियेशन स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब बाय सी ए सी वो हटा दिया गया है तो ये जो प्रोविजन है वो उन्होंने हटा दी है न अब ईवे बिल में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि एग्जाम में ओके okay, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है सेक्शन 131 थर्टी में सॉरी यहां पे रूल 138 थर्टी एट ई आई रिपीट रूल 138 थर्टी -E ई में आपका ईवे बिल कुछ केसेस में ब्लॉक किया जाता है अब कौन कौन से केसेस में ब्लॉक किया जाता है बिल, थोड़ा मैं आपको बता और उसके बाद में okay, uh, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा तो क्या थी चार ईवे बिल ब्लॉक कर दिया जाता है एक आपने अगर आप कंपोजिशन स्कीम में होगा ओके okay, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं और हैज़ नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर टू कॉन्जिक टैक्स पीरियड मतलब आपने जीएसटीआर आर फोर

या फिर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया गया होगा तो चार केसेस है बेटा यहां पे ओके चार केसेस कौन सी तो आपने यहां पे जीएसटीआर ओके कंपोजिशन स्कीम में होगी तो आपने दो टैक्स पीरियड के रिटर्न नहीं दिए आप नॉर्मल स्कीम में होगे तो नॉर्मल स्कीम में मंथली में होगे तो मंथली में आपने दो टैक्स पीरियड के जीएसटीआर थ्री भी नहीं दिए क्वार्टरली में होगे तो दो टैक्स पीरियड के जीएसटीआर थ्री भी नहीं दिए

प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम जा रहा था समझ लो यहाँ ले लो ए और रजिस्टर्ड पर्सन है और रजिस्टर्ड पर्सन ए ओके यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन ये है अब इसने अगर कोई ये चारों में से कोई ऑफेंस ऑफेंस किया होगा तो ये जो सप्लाई कर रहा है ओके okay, और सप्लाई में गुड्स का मूवमेंट हो रहा है मूवमेंट ऑफ गुड्स ही कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स और ये जो मूवमेंट ऑफ गुड्स का वो सप्लाई कर रहा है बेटा तो ये जो है इसका ईवे बिल वो जनरेट नहीं कर सकता था और अगर ईवे बिल जनरेट नहीं कर रहा है ओके okay, उसका ईवे बिल यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया ठीक है तो यहां पे ईवे बिल जो है यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया अब उसके बाद में नेक्स्ट बेटा अब जैसे इसका ईवे बिल के लिए जीएसटी इन ब्लॉक कर दिया गया बिल कर दिया मतलब इसके जीएसटी इन पे अब ईवे बिल नहीं निकलेगा इसके जीएसटी इवे बिल नहीं निकलेगा

और इसका अगर इवेबिल बनाया जा रहा है तो इसमें दो पार्ट है पार्ट ए ओके पार्ट ए और पार्ट बी ओके पार्ट बी पार्ट ए में आपको सप्लायर का जीएसटी देना पड़ता है तो जो सप्लायर दे रहा है और आपको रिसिपियन का भी जीएसटी देना पड़ता है ओके रिसिपियन का भी जीएसटी आपको देना पड़ता है रेसिपियन का भी जीएसटी आपको देना पड़ता है

ऑफेंस किसने किए थे भाई गुना किसने किया गुना ए ने किया तो गुना ए ने किया तो इसके आउटवर्ड सप्लाई ध्यान सुनिएगा इसका जो आउटवर्ड सप्लाई है आउटवर्ड सप्लाई पे रिस्ट्रिक्शन डाला जाए ओके इसके इनवर्ड सप्लाई पे रिस्ट्रिक्शन डालने की क्या जरूरत है इनवर्ड सप्लाई के लिए तो रिस्ट्रिक्शन डालने की कोई जरूरत ही नहीं ना उसके आउटवर्ड सप्लाई पे रिस्ट्रिक्शन डाला जाए इसलिए फिर रूल वन ई अमेंड किया गया और रूल 138 ई e जो है अमेंड करके बताया गया कि अब जो हमने पहले इसके जीएसटी नहीं ब्लॉक कर दिया था कोई भी सप्लाई के लिए अब ऐसा नहीं है अब ये जो है इसका इनवर्ट सप्लाई के लिए जीएसटी या इनवर्ट सप्लाई के लिए ईवे बिल ओपन रहेगा जो ब्लॉक रहेगा वो ब्लॉक सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई के लिए रहेगा ध्यान सुनना जो ईवे बिल ब्लॉक किया जाएगा वो आउटवर्ड सप्लाई के लिए तो अभी अमेंडमेंट देखो क्या कहती है ओके नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग

वहां से जो वर्ड यूज किया गया कि भाई इन पहले वर्ड था इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लायर एज ए सप्लायर और रिसीपिएंट मतलब वो एज अ सप्लायर हो या रिसीपिएंट हो बस उसका जीएसटी ब्लॉक कर दिया जाएगा अब उसको निकाल दिया गया और उसकी जगह ये वर्ड लाया गया कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अ पर्सन मतलब क्या मतलब यहाँ पे जो भी आपकी आउटवर्ड मूवमेंट होगी उस पर ही रिस्ट्रिक्शन रहेगा इनवर्ड मूवमेंट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा आई होप और उसके मैंने एग्जाम्पल नीचे दिया है उसका रीजन मैंने यहां पे दिया है वो आप रीड कर सकते हो बस इतना सा चेंज जो है रूल वन थर्टी एट ई में लाया गया आई होप आप ये समझेगे चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं और वो है रिफंड ठीक है रिफंड में यहाँ पे थोड़ा प्रोसीजर से रिलेटेड अमेंडमेंट हुई है Okay, कोई इतनी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है सब प्रायोरिटी बी वाली अमेंडमेंट है अच्छे से रीड करके जाना है अब देखो पहली अमेंडमेंट क्या हुई ओके okay, पहली अमेंडमेंट यह हुई कि अगर आप रिफंडी रिफंड रिफंड देने के बाद आर नहीं सॉरी आर एफ डी आर एफ डी जीरो अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो वो डेफिशिएंसी के लिए आपका जो है आपको कम्युनिकेट किया जाता है कि ये डेफिशिएंसी आ रही है और आपको कहा जाता है कि आप फिर से रिफंड एप्लीकेशन दो ये डेफिशिएंसी क्लियर करके लेट्स टेक एग्जांपल पे आपको आपको पहले तो मैं आपको बता रिफंडियंसर रिफंड आप जो क्लेम करते हो उसका टाइम पीरियड होता है टू ईयर्स फ्रॉम रिलेवन डेट और अलग अलग केसेस में अलग अलग रिलेवन डेट है ओके okay, जैसे एक्सपोर्ट के केस में व्हेन इट लूज इंडिया वहां से दो साल ओके okay, तो या डेट ऑफ पेमेंट प्रोविजनल uh, असेसमेंट के केस में दो साल फ्रॉम फाइनल असेसमेंट ऐसे अलग अलग केसेस में यहाँ पे अलग अलग रिलेवेंट डेट्स है जो आपने रिफंड चैप्टर में पढ़ी होगी नाउ अब यहाँ पे ये दो साल कैलकुलेट करने के लिए जो डेफिशिएंसी का हमें टाइम uh, पीरियड है क्या वो इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा थोड़ा मैं इसको ऐसा समझा देता हूँ मैंने आज आर में रिफंड अप्लीकेशन फाइल किया वो पोर्टल पे गया पोर्टल के बाद आज से लेके आप, अब मैंने रिफंड फाइल कर देना चाहिए दो साल के अंदर ओके टू इयर्स मैंने रिफंड फाइल कर देना चाहिए अब मैंने जो है ये डेफिशिएंसी है आपके एप्लीकेशन में अब डेफिशिएंसी आने के बाद मैं वापस आ, यहाँ पे तेरह तारीख को रिफंड एप्लीकेशन दे रहा हूँ डेफिशिएंसी क्लियर करके तो जो एक तारीख से दस तारीख तक के दस दिन हैं जहां यह डेफिशंसी पीरियड है रिफंड का क्या यह दो साल के कैलकुलेशन में लिया जाएगा क्योंकि इंडिया में एक आदत है जैसे आप अपने आप से समझ लो कि जो एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट होगी आप उस लास्ट डेट को ही फॉर्म भरते हो या उसके एक दो दिन पहले ही भरते हो आदत है क्या करें वैसे रिफंड एप्लीकेशन जब कोई फाइल करता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो साल बस खत्म होते आ रहे हैं और उसने अप्लीकेशन दिया समझ लो एग्जाम्पल लेते हैं पांच तारीख को दो साल खत्म हो रहे थे पांच तारीख को तो हमने एक तारीख को अप्लीकेशन दिया अब एक तारीख को मैंने एप्लीकेशन दिया तो मैं आ दो साल के पहले दे दिया बॉस क्योंकि पांच तारीख को दो साल खत्म होने वाले थे पर क्या हुआ एक तारीख को एप्लीकेशन दिया और दस तारीख को उसकी डेफिशिएंसी आ गई डेफिशिएंसी मेमो आ गया फिर फिर मैं वापस अगर एप्लीकेशन फाइल करूं तो ऑफिसर कहता था कि नहीं अब तुम डेफिशिएंसी क्लियर नहीं कर सकते क्यों क्योंकि तुम्हारी डेट तो गई पाँच तारीख तो कब की होगी ओके okay, अब तो कुछ नहीं मिलेगा बाबा जी का ढुल्ल लू हाँ ऐसा होता था कि भाई आखिरी आखिरी में जो रिफंड क्लेम फाइल कर रहे हैं ओके okay, वो वो केस में जो डेफिशियंसी पीरियड था डेफिशियंसी क्लियर करने का वो पीरियड का दो साल के अंदर कंटिन्यू कर लिया क, क, दो साल के अंदर यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाता था गवर्नमेंट ने इसके लिए एक ला और ये प्रोविजन लाई okay, और अमेंड क्या किया? तो डायरेक्ट प्रोविज़न आपको टाइम पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग रिफंड क्लेम टिल द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिफिशियंसी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय प्रॉपर ऑफिसर शाल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पीरियड ऑफ टू ईयर कैलकुलेशन यानी जो आप दो साल का टाइम पीरियड निकालते हो उसमें एक तारीख से लेके दस तारीख यानी दस दिन कंसिडर नहीं हो गए मतलब मतलब ये हुआ कि अगर दस तारीख ने ऑफिसर ने यहाँ पे आपको डेफिशेंसी मेमो दिया तो आपके पास अभी भी ओके ये दस दस दिन कंसिडर ही नहीं हो गए मतलब मतलब अभी भी आपके पास पांच दिन का टाइम पीरियड है पांच दिन का सर मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी डेट तो पांच तारीख थी ना मैंने पांच दिन पहले ही फाइल किया था तो वो पांच दिन वैसे ही बरकरार रहेगे आपको रिवाइज अप्लीकेशन जो है वो विदिन नेक्स्ट फाइव डेज फाइल कर देना है ओके ये पॉइंट समझा होगा तो जरूर बताइए बेटा जो भी मेरे से कनेक्टेड है ओके बताइए यस सर समझ में आया पॉइंट्स ओके तो चलिए ये हमने देखा यहां पे जहां तक है आ, दो साल के कैलकुलेशन में डिफिशंसी क्लियर करने के लिए जो टाइम पीरियड जाएगा सॉरी ऑफिसर जो यहाँ कम्युनिकेट करेगा, repeat, जो करेगा उतना किया जाएगा। मतलब आपने को दिया दस तारीख को उसने कम्युनिकेट किया तो ये दस दिन जो है एक्सक्लूड कर दिए जाएगा उसके बाद में यहाँ पे फैसिलिटी ऑफ विड्रॉल ऑफ रिफंड सेकंड अमेंडमेंट देखो ये भी प्रायोरिटी बी में रखना दिया और बाद में आपको ऐसा लगा कि मिस्टेक तो हो गई और इसमें मिस्टेक हो गई तो आपको वो विड्रॉ करना है तो पहले रिफंडेशन विद्रॉ करने की प्रोविजन नहीं थी एक बार जो आपने डाल दिया सो डाल दिया लेकिन अब जो है आप ओके रिफंड दिया रिफंड आपको पता चलता है कुछ मिस्टेक हो गई तो आप विद्रॉ कर सकते हो कभी कभी होती है फाइनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर या पेमेंट ऑर्डर या रिफंड ऑर्डर और कॉज नोटिस मतलब क्या जैसे जीरो रेट सप्लाई में आपको प्रोविजनल रिफंड मिलते हैं नाइनटी परसेंट वो ऑर्डर आने के पहले एनी टाइम बिफोर वो ऑर्डर आने के पहले या फाइनल सेंशन ऑर्डर आने के पहले या फिर पेमेंट ऑर्डर एक पेमेंट पहले क्या होता है कि आपको रिफंड सेंक्शन ऑर्डर आती है आपको अगर प्रोसीजर याद होगा और उसके बाद में रिफंड सेंशन ऑर्डर आ गई उसके बाद भी पेमेंट ऑर्डर आना बाकी है यानी सुनो रिफंड सेंशन ऑर्डर आ गई अब उसके बाद में पेमेंट रिलीज ऑर्डर आती है तो पेमेंट रिलीज ऑर्डर आने के पहले ओके या रिफंड uh, ऑर्डर शो कॉज नोटिस यानी यहां तक दिया है कि शो कॉज नोटिस आने के पहले यानी आपने बाय मिस्टेक अगर कोई गलत रिफंड फाइल कर दिया हो सकता है कि वो रिफंड सैंक्शन हो गया बाद में आपको आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस भी आ सकती है तो शो कॉज नोटिस आने के पहले इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिफंड रिफंडेशन फाइल विद्रॉ द सेड अप्लीकेशन फॉर रिफंड बाय बाय अप्लाई फाइलिंग अप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म आप विद्रॉल अपलीकेशन फाइल कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट है बॉस आ सकता है प्रायोरिटी ए कर देना छोटा okay, सा क्वेश्चन आ सकता है कोई केस स्टडी में आ सकता है कि भाई पर्टिकुलर उसने रिफंड एप्लीकेशन मिस्टेक हो गई रिफंड हो गया लेकिन पेमेंट ऑर्डर आना बाकी है अगर पेमेंट ऑर्डर आना बाकी है तो वो अपना रिफंड एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहता है तो क्या वो रिफंड्रॉ कर सकता है तो बिल्कुल वो अपना बेटा वो विड्रॉ कर सकता है तो ऑन सबमिशन ऑफ सच एप्लीकेशन नीउंट डेबिटेडिटेड बैक टू लेजर फ्रॉम विच डेबिट वॉज मेट जैसे जब भी आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हो तो आपका कैश लेजर उतना डेबिट हो जाता है या क्रेडिट लेजर आपका डेबिट हो जाता है कैश लेजर या क्रेडिट लेजर डेबिट हो जाता है तो तभी आप जब अपलीकेशन फाइल करते ही डेबिट हो जाता है लेकिन आपने विद्रॉ कर लिया अगर आपने विद्रॉ कर लिया तो उतने अमाउंट से वापस रिक्रेडिट हो जाएगा चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अमेंडमेंट है ऑर्डर ऑफ और रिलीज ऑफ रिफंड टू बी विशुड वेर रिफंड नो लॉन्गर लाइबल टू तो बी विथ ऑर्डर फॉर कंप्लीट एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड फॉर रिफंड नॉट रिक्वायर टू तो बी इशूड देखो यहाँ दो चीजें जो है अमेंड हुई है ओके ये भी एक्चुअली अर्लियर नहीं है ये भी अमेंडमेंट ही है यहाँ करेक्शन कर लेना

अगर आपका कोई रिफंड निकल रहा है तो रिफंड निकलते ही आपको जो है हाँ चलिए तो आ, <coughs> पहले ऐसा होता था बेटा कि आपका अगर कोई रिफंड निकल रहा है तो रिफंड निकलते ही आपको एक सेंक्शन ऑर्डर आ जाती थी और वो सेंक्शन ऑर्डर में कि भाई रिफंड आ गया और ये इतना रिफंड बना लेकिन अगर आपका कोई पुराना डिमांड होगा आई रिपीट ध्यान सुनना अगर आपका कोई पुराना डिमांड होगा तो वो जो पुराना डिमांड है यहां पर वो उसमें एडजस्ट कर लिया जाता था और वो क्या क्या एडजस्ट किया उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करी जाती थी लेकिन अब गवर्नमेंट ये डिटेल्स आपको नहीं प्रोवाइड करेगी कि भाई पुराने डिमांड ऑर्डर क्या है पुराना कोई पेंडिंग है क्या ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड नहीं करेगी कंपलसरी नहीं करेगी आप अगर रिक्वायर करते हो कि हाँ मुझे ये डिटेल्स प्रोवाइड करो तो वो बात अलग है लेकिन कंपलसरी ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट

ही मे पास द ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विथेल रिफंड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म हाँ अब कैसा होता है कि बहुत सी बार ऑफिसर को डाउट है कि भाई डाउट है या फिर आपकी कोई पुरानी डिमांड ऑर्डर पेंडिंग पड़ी हुई है तो वो आपका रिफंड रिफंडल कर देता है तो अगर आपका रिफंड विथेल किया गया कोई रीजन के वजह से ओके आपने रिटर्न नहीं फाइल किए हो या अलग अलग रीजन दिए हैं और विथेल किया गया बाद में ओके ऐसा लगा कि नहीं आपने वो कंप्लाइंस कर दिए है तो अब विथेल किया गया फिर आपने वो कंप्लायसेस कर दिए कंप्लायंस कंप्लीट होने के बाद पहले ओके रिलीज ऑफ विथेल ऑर्डर ये ऑर्डर नहीं थी अब वो आ चुकी है मतलब जो है पे क्या होगा म, यहाँ पे बेटा आपको जो है एक स्पेशल ऑर्डर आएगी कि आपका जो विथेल किया गया वो आपने कंप्लायसेस कर दिए इसलिए आपका विथेल ऑर्डर रिलीज किया जाएगा तो ये पहला वाला अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला प्रायोरिटी बी में रखा तो भी चलेगा नाउ थर्ड In case of applicant who become entitled to refund after being withheld, order for release of withheld refund to be passed before passing the final order. Uh, same amendments rule 96 seven gaya. Jaise, rule 96 CGST rule contain a provision relating to refund of IGST paid on goods or services exported out of India. Sub rule seven of the said rule provides that in case of claim of refund was withheld for specified reason. रिफंडी के रिफंडर करके रखा हुआ है पर बाद में आपने वो कंप्लायसेस कर दिए इसलिए वो रिलीज कर रहा है आपका रिफंड आपने कंप्लायसेस कर दिए ओके okay, तो पहले क्या था कंप्लायस कर दिए तो रिलीज ऑफ विथेल ऑर्डर नहीं था ओके okay, पहले डायरेक्ट रिफंड सैंक्शन कर दिया जाता था लेकिन अब यहां पे भी उन्होंने एक्सपोर्ट के रिफंड हो गए तो भी और विथेल्ड किया होगा तो विथेल किया होगा तो वो सिचुएशन में भी आपको जो रिलीज ऑफ विथेल ओके ऑर्डर रिलीज ऑफ विथेल रिफंड ये ऑर्डर पहले आएगी और उसके बाद में आपको रिफंड दिया जाएगा सर ऑर्डर इश्यू ही नहीं हो रहा है तो अपील भी तो नहीं हो पाएगी ना बेटा क्वेश्चन नहीं समझा आपका चलिए तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू जहां तक है आ, अब विथिल किया होगा और उसके बाद में रिफंड सेंक्शन हो रहा है तो उसके पहले एक ऑर्डर देना जरूरी है और वो ऑर्डर है रिलीज ऑफ विथिल ऑर्डर ठीक है चलिए यहां हमारी जीएसटी की सारी अमेंडमेंट्स कंप्लीट होती है ध्यान से सुनिएगा यहां हमारी जीएसटी की सारी अमेंडमेंट्स कंप्लीट होती है ठीक है अब कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट्स है ये कंप्लीट कर लेते हैं चलिए यहां पे चैप्टर टू इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन प्रोसीजर सेक्शन 46 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई है और ये अमेंडमेंट यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर एग्जाम ध्यान से सुनिएगा ये अमेंडमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर एग्जाम ठीक है अमेंडमेंट क्या हुई है अमेंडमेंट बेटा यहां पे ये हुई है कि जो टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री था पुरानी ओल्ड प्रोविजन क्या थी इंपोर्टर शाल प्रेजेंट अ बिल ऑफ एंट्री बिफोर द एंड ऑफ नेक्स्ट डे ऑफ फॉलोइंग द डे एक्सक्लूडिंग हॉलीडे

नेक्स्ट डे तक भी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते थे लेकिन उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया और ये अमेंडमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है और क्या अमेंडमेंट किया बेटा यहां पे इंपोर्टर शाल प्रेजेंट अ बिल ऑफ एंट्री बिफोर द एंड ऑफ द द डे डे दिस दिच एक् वेल और व्हीकल कैरिंग द गुड्स अराइव एट अ कस्टम स्टेशन एट विच सच गुड्स आर क्लियर फॉर होम कंजम्शन और वेयर हाउसिंग मतलब क्या अब उन्होंने कंपलसरी कंपल्सरी एडवांस बिल ऑफ एंट्री कर दी है सर ये क्या है कंपलसरी एडवांस बिल ऑफ एंट्री चलो मैं बताता हूं आपको कंपलसरी एडवांस बिल ऑफ एंट्री समझ लो आपका कन्वेंस जो अराइव हुआ है कन्वेंस अराइव हुआ है और ये कन्वेंस अराइव हुआ है टेंथ अगस्त को टेंथ अगस्त को अब पूरी प्रोसेस को समझ लो अब अगर टेंथ अगस्त को अराइव हुआ है तो आप नॉर्मली पहले जो बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते थे वो अगस्त रात को बारह बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते थे कभी भी अगर इसके बाद बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो तो यहां पे लेट फी लगती थी लेट फी के साथ यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री लगती थी लेकिन अब वो क्या कहते हैं अब वो कहते हैं कि आपका कन्वेंस अगर 10 अगस्त को अराइव रह हो रहा है तो आपकी बिल ऑफ एंट्री अब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या हुई तो नाइन्थ अगस्त रात को बारह बजे तक आ जानी चाहिए नाइन्थ अगस्त आपको बारह बजे तक आना चाहिए इसे कहते हैं कंपल्सरी कंपल्सरी एडवांस बिल ऑफ एंट्री एडवांस बिल ऑफ एंट्री उन्होंने कर दिया है यानी आप यहाँ पे कंपल्सरी आपको जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है ये पहले फाइल करनी एडवांस बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है ना अब देखो क्या हुआ मतलब क्या मतलब अगर आपने 10 अगस्त को बिल ऑफ एंट्री दी ध्यान सुनना आपने 10 अगस्त को बिल ऑफ एंट्री दी अलाउड है पर लेट फी लग जाएगी 11 अगस्त को दी तो अलाउड है लेट फी लग जाएगी ऐसे आपके पास 30 दिन है क्योंकि 30 दिन में आप कभी भी क्लियर कर सकते हो तो आप बिल ऑफ एंट्री बाद में भी दो पर लेट फी लग जाएगी कमाने के धंधे और कुछ नहीं है तो एडवांस बिल ऑफ एंट्री आपको कंपलसरी कर दिया है नाइन अगस्त को ओके okay, इस अगस्त उसके पहले दिया तो आपको बिल ऑफ एंट्री सॉरी लेट फी नहीं लगेगी प्रायर बिल ऑफ एंट्री तो हम पहले भी फाइल कर सकते थे और अभी तो उन्होंने कंपलसरी कर दिया है प्रायर बिल ऑफ एंट्री प्रोवाइडेड दैट आपका कन्वेंस थर्टी डेज के अंदर अराइव हो जाना चाहिए ठीक है और अब तो आपको वन डे बिफोर कह दिया है? Okay, अब ये वन डे बिफोर जो है ओके इंक्लूडिंग हॉलीडे का है यानी अगर हॉलीडे भी होगा तो भी आपको नाइन को अगर संडे होगा तो भी आपको जो है ओके okay, को ही बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने जो कहा है इंक्लूडिंग हॉलीडेस का है तो नाइन्थ को ही बिल ऑफ एंट्री आपको फाइल करना पड़ेगा लो कर लो बात ओके okay, तो हमें ओके okay, बाद में अब बाद में अगर आप फाइल करोगे तो यहां लेट फी है ओके यहाँ लेट फी है ओके लेट फी के साथ फाइल करना पड़ेगा नाउ सर इससे ये बताइए कि कोई इंपैक्ट हमारे रिलेवेंट डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री पे पड़ेगा क्या पहले तो ये अमेंडमेंट आपको समझ में आई क्या ओके okay. अगर आपको ये अमेंडमेंट समझ में आई होगी तो बोलिएगा यस सर समझ में आ रही है ये अमेंडमेंट अगर ये आपको समझ में आया होगा तो बोलिए यस सर समझ में आ रहा है और बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ लो ना बाकी का डिमांड ओके okay, ये सर ये नहीं है वो नहीं है तो आएगा मैं उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा बेटा स्टे ट्यून विथ वी स्मार्ट अकेडमी चैनल ये समझ में आया कि आपको एडवांस बिल ऑफ एंट्री जो है आपको कंपलसरी कर दिया गया है नाउ अब बेटा जो है यहां पे ध्यान से सुनिएगा अब सेक्शन 15 क्या कहता है मैं सेक्शन 15 को पिक्चर में लेना चाहूंगा ओके रिलेवेंट डेट रिलेवेंट डेट फॉर ड्यूटी रेट ड्यूटी रेट एंड टेरिफ वैल्यू ड्यूटी रेट एंड टेरिफ वैल्यू ठीक है तो रिलेवेंट डेट फॉर ड्यूटी रेट एंड टेरिफ वैल्यू चलो इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं अब ड्यूटी रेट और टेरिफ वैल्यू जिसमें हमने क्या देखा था अगर होम कंजम्पन होगी वेयर हाउसिंग होगा और ओके अदर होगा होम कंजम्पन होगा तो हमने यह देखा था कि बिल ऑफ एंट्री प्रायर है बिफोर है और बिल ऑफ एंट्री आफ्टर है बिल ऑफ एंट्री आफ्टर है बिल ऑफ एंट्री बिफोर है तो एंट्री इनवर्ड एंट्री इनवर्ड या अराइवल अराइवल एंट्री इनवर्ड वेसल केस में और अराइवल एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट या वहीकल केस में वो आपकी रिलेवेंट है और बिल ऑफ एंट्री आफ्टर होगी तो वो सिचुएशन में बिल ऑफ एंट्री की डेट लिया जाएगा तो सर अब तो बिल ऑफ एंट्री आफ्टर तो यहां तो तो क्लॉज आज भी, है, क्या? है? आज भी है ये किसने कहा है भाई कि बिल ऑफ एंट्री आफ्टर नहीं दे सकते हो आफ्टर एंट्री इन वो अरावल नहीं दे सकते हो दे सकते हो विथ लेट फी दे सकते हो विथ लेट फी मेरी बात समझ रहे हो क्या आप विथ लेट फी मतलब ये प्रोविजन आज भी इंपॉर्टेंट है ये प्रोविजन आज भी इंपॉर्टेंट है तो अब जो भी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं क्वेश्चन है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं बुक में वो प्रॉब्लम आज भी रिलेवेंट है बस इतना होगा कि आज के करंट पोजीशन में अगर बिल ऑफ एंट्री की डेट आफ्टर होगी तो बस समझ लेना आपने प्रिज्यूम कर लेना कि विथ लेट फी है विथ लेट फी है पर आपको सेक्शन 15 के हिसाब से डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री ही लेना है यानी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा रिलेवेंट डेट में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा बस आपको इतना है कि अब बिफोर कंपल्सरी किया है बाद में तो आप लेट फी के साथ भी फाइल कर सकते हो और आप अगर बाद में फाइल कर रहे हो तो आपको आज भी वही प्रोविजन अप्लीकेबल होगी डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री रिपीट डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री समझा होगा तो जोर से बोलो यस yes, सर समझ में आया हमें बोलिए बेटा आपके आंसर का वेट कर रहा हूं तो जोर से बोलो यस yes, सर समझ में आया तो हमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स में चेंज नहीं करना है ओके okay, बस आपको एक प्रिज्यूम करके चलना है कि आफ्टर होगी तो लेट भी होगा वो लेट भी हो कुछ भी हो हमें तो रिलेवन डेट वो लेना है बिफोर होगा तो एंट्री इन या अरावल लिया जाएगा वेरी गुड ओके okay, समझ में आया होगा तो वेरी गुड वेरी गुड बेटा तो ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है ना को यस तो बोलो ओके <laughs> okay, तो ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सेक्शन 46 में हुआ है बाकी कस्टम में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है ओके okay, और एक टाइप्स ऑफ ड्यूटी जो कस्टम टैरिफ एक्ट में टाइप्स ऑफ ड्यूटी एक काउंटरवेलिंग ड्यूटी ओके काउंटरवेलिंग ड्यूटी और आ, एंटीडम्पिंग ड्यूटी पे कुछ प्रोविजन एड की गई तो चलो वो भी समझा देता हूं जैसे काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल यहां लिखना हो तो लिख देना ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल ठीक है एब्सोर्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी एक नया सेक्शन नाइन वन भी एड किया गया एबसॉप्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल ये ड्यूटी का बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं अगर कोई फॉरिन कंट्री या टेरिटरी यहां पे सब्सिडी दे रही है स्पेशली इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए आई रिपीट सब्सिडी दे रही है स्पेशली इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए तो वो सिचुएशन में सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल लगता है ओके okay, वो केस में सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल लगता है डन ठीक है अब ये आ, यहां पे कितना लगता है सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल तो इंडिया में जो सब्सिडी जो उन्होंने जितनी सब्सिडी दी है उतनी सब्सिडी की ड्यूटी इंडिया में लगाई जाती है ठीक है बहुत सी कंट्री ऐसा करती है कि भाई इंडिया में एक्सपोर्ट करो इंडिया में डम करो हम सब्सिडी देंगे वहां के एक्सपोर्टर को सब्सिडी दे रहे हैं तो इंडिया में सी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल लगाया जाता है चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ओके okay, कंट्री लेते हैं यूएसए और यूएसए ने वहां के एक्सपोर्टर्स को जो भी एक्सपोर्टर्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है और गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको प्राइस सपोर्ट सब्सिडी देंगे मतलब यह कि यहां जहां तक देखा जाए अगर नॉर्मल प्राइस नॉर्मल प्राइस उसकी एक हजार होगी और गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो चलो मैं हम आपको पांच सौ रुपए सब्सिडी देते हैं आप इंडिया में पांच सौ रुपए में एक्सपोर्ट करो और इंडिया में वो लैंड हो रहा है एट प्राइस 500, कम प्राइस में लैंड हो रहा है क्योंकि बाकी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है और वो प्रोडक्ट उन, उनको इंडिया में पेनिट्रेट करना है और इंडियन मार्केट में वो पांच रुपए में आ रहा है ठीक है इंडियन गवर्नमेंट को पता चला कि ओ लो ओके या भाई ओके ये तो सब्सिडाइज गुड्स इंडिया में आ रहा है और सब्सिडाइज गुड्स जो है ये सब्सिडाइज गुड्स है और ये सब्सिडाइज गुड्स इंडिया में आ रहा है ओके क्योंकि फॉरेन गवर्नमेंट स्पेशली इंडिया में एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दे रही है और ये सब्सिडाइज गुड्स इंडिया में आ रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर पांच सौ रुपए हुई और पांच सौ रुपए उसके ऊपर सब्सिडी मतलब हो गया वो हजार रुपए का हुआ ना लो ओके सब्सिडी देने का कोई फायदा नहीं तो सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल पांच सौ लगा दिया जाएगा और उसको कंपेरेबल प्राइस पर लाया जाएगा अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पे ये यह पांच सौ नहीं लेता हूं मैं ओके यहां पे एग्जाम्पल हमारा गलत हो जाएगा मैं दो सौ रुपये लेता हूं और यहां पे भी दो सौ रुपये लेता हूं यहां पे मैं दो सौ रुपये ले रहा हूं ये सात सौ रुपए नहीं सॉरी आठ सौ रुपए लैंडिंग प्राइस आठ सौ रुपए और ये दो सौ रुपये ओके okay, सब्सिडी दो सौ रुपए तो सीवडीन सब्सिडी अब ही वहां की गवर्नमेंट को पता चलता है जैसे ही वहां की गवर्नमेंट को पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने दो सौ ओके सुनना इंडियन गवर्नमेंट ने दो सौ जो है यहां पे सीवीडी लगाया है तो वहां की गवर्नमेंट जो दो सौ सब्सिडी दे रही है ये दो को एब्सॉर्ब करने के लिए प्लस दो और दे रही है वहां के एक्सपोर्टर्स को मतलब दो की जगह बेटा आप चार ले लो और ओके okay, चारो ले लो इंडिया में लैंड करो प्राइस यानी अब वो क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर दो सौ रुपए सब्सिडी लगा दी ऑन सीवीडीडाइज आर्टिकल लगा दिया तो अब इसको एब्सॉर्ब करने के लिए और सपोर्ट दे रहे हैं और और सपोर्ट की जहां 200 सौ की जगह सब्सिडी थी 400 कर दी गई 400 कर दी गई तो ये छे सो रुपए ओके छे okay, सौ रुपए लैंडिंग प्राइस होगी और इंडिया की सब्सिडी दो सौ रुपए मतलब अल्टीमेटली गुड्स 800 में इंडिया में आ गया कम प्राइस में इंडिया में आ गया तो बहुत सी बार फॉरेन कंट्री जो है ओके okay, इंडिया ने लगाई हुई सीवीडी को एब्सॉर्ब करने के लिए एक्स्ट्रा प्राइस सपोर्ट दे देती है तो अगर ये यहां पे ये जो सीवीडी एब्जॉर्ब किया जा रहा है ये सीवीडी एब्जॉर्ब कर दिया जा रहा है और ये एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा दे के किया जा रहा है तो इंडिया अब इंडियन गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पावर दी गई है कि अगर कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट है ओके इंडियन गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पावर दी गई है और वो ये कि कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट ने यहाँ पे फॉर फॉरेन गवर्नमेंट ने यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा सब्सिडी दे के ये जो सीवीडी है ये एब्जॉर्व कर लिया होगा एक्स्ट्रा सब्सिडी दे के ये जो सीवीडी है वो एब्जॉर्व कर लिया होगा तो ये अपना सीवीडी रिवाइज कर सकता है और रिवाइज करके यहाँ पे एक्स्ट्रा सीवीडी लगा सकता है बस ये पावर है देखो यहाँ पे where central government on such inquiry as it consider necessary is of opinion that absorption of countervailing duty has taken place i repeat absorption of countervailing duty has taken place whereby countervailing duty so imposed rendered ineffective by ओके okay, ये इंडियन गवर्नमेंट को पता चला कि अरे हमने जो सीवड़ी लगाया 200 सौ रुपये उन्होंने तो और दो सौ रुपये कम कर दिया तो सीवड़ी तो एब्जॉर्ब हो गई और और हमारी लगाई हुई दो सौ रुपये सीवड़ी इनइफेक्टिव कर दी गई इट मे मॉडिफाई सच ड्यूटी टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ सच एब्स फ्रॉम सच डेट नॉट डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी तो ये जो है मॉडिफाई कर सकती है सीवीडी वो एप को नलीफाई एपसॉपन को नलीफाई करने के लिए हाँ लेकिन ये जो एक्स्ट्रा सब्सिडी लगाएगी वो उस दिन से लगाएगी जिस दिन से इंक्वायरी चालू हुई थी नाउ एप्सॉप्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी यानी क्या is said to have taken place if there is a decrease in export price of article without commensurate change in the resale price in India for such imported from exporting country or territory. मतलब क्या? Okay, India की price 800 रुपए ही रखी गई या India की price 1000 रुपए रखी गई whatever it may be. नहीं नहीं ये India में बेचेगा 1000 रुपए में. हाँ sorry. तो आ, बराबर है. इंडिया की price न बदलते हुए export price कम कर दी सप्लायर ने जितनी हम सब्सिडी लगा रहे हैं उतना एक्सपोर्ट प्राइस कम कर दिया तो वो केस में एप्सॉप्शन ऑफ ड्यूटी कहा जाएगा और अंडर सच अदर में भी प्रोवाइडेड इन द रूल्स ठीक है है ये ये जो सेक्शन बी इंट्रोड्यूस किया गया था एप्सॉपशन के लिए सिंपल वर्ड में इंडियन गवर्नमेंट उसको मॉडिफाई कर सकती है और यहाँ सी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल चेंज हो सकता है समझा होगा तो कहिए यस सर समझ में आया ना उसके बाद में एक्समिशन

वो प्रोडक्ट पे अगर ये प्रोडक्ट हंड्रेड परसेंट यू इंपोर्ट करता है आई रिपीट ये प्रोडक्ट हंड्रेड परसेंट यू इंपोर्ट करता है या स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन, ओके स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंपोर्ट करता है तो वो सिचुएशन में ये सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल नहीं लगेगा अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेड अप्लीकेबल टू सच नोटिफिकेशन टू सच अंडरटेकिंग और यूनिट ओके जब तक हाँ लेकिन अगर कोई नोटिफिकेशन खुद कहता है कि नहीं नहीं ये जो सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल है ये पर्टिकुलर यूनिट को भी लगेगा ओके okay, ये एस यूनिट को भी लगेगा तो ओके अदरवाइज ओके जो भी सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल है वो हंड्रेड परसेंट यू यू या फिर एस यूनिट को नहीं लगेगा और सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट है और सच आर्टिकल आदर इधर क्लियर फॉर क्लियर एज सच इन डोमेस्टिक डोमेस्टिक एरिया यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एनी गुड्स दैट क्लियर इन द डोमेस्टिक एरिया in which countervailing duty shall be imposed on that portion of the article so clear or used as was applicable when it was imported into India. Samaj Example ki tor pe koi 100% EOU hai. 100% EOU hai ya fir SEZ unit hai. Aur usne product A laya. और A जो है CVD on सब्सिडाइज article में था CVD इसके ऊपर लगती थी लेकिन लेकिन 100 EOU परसेंट इसलिए वो एग्जम्प्ट है वो एग्जम्प्टे सीवीडी नहीं लगी लेकिन बाद में हंड्रेड परसेंट ए ने क्या किया जो ये न सीवीडी लगा हुआ प्रोडक्ट यानी इसके ऊपर सीवीडी नहीं लगा ये डीटीए में क्लियर कर दिया डोमेस्टिक टेरीफेरिया में बेच दिया अगर वो डोमेस्टिक टेरीफेरिया में बेचता है तो जितना भी प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट बेचता है ओके इसके ऊपर सीवीडी लगाया जाएगा इसके ऊपर सीवीडी लगाया जाएगा फिर ये एग्जम्पन नहीं मिलेगा या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज करता है मतलब ए जो है बी के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करता है बी के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करता है तो ए जो यूज किया, किया जा रहा है और बी डोमेस्टिकलेक्ट तो हाँ, किया जाएगा हाँ कितना इनपुट ए जो है बी में यूज किया जो डोमेस्टिक एरिया में क्लियर हुआ उतना प्रोपोशनेट सीवीडी लगाया जाएगा आई होप यू अंडरस्टूड ओके तो यह था रिगार्डिंग टू यहाँ पे एग्जम्पन टू यू पर उसके दो एक्सेप्शन थे

तो अगर टेम्प्ररी रिवोकेशन हुआ होगा आई रिपीट रिवोकेशन होगा तो मैक्सिमम वन ईयर के लिए होगा ओके okay, वो मैक्सिमम वन ईयर के लिए होगा डन चलिए तो जो ये अमेंडमेंट यहां सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल के लिए हुआ है सेम अमेंडमेंट बेटा ओके okay, यहां पे एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए भी है मतलब एंटी ड्यूटी ये मैं रीड नहीं करूंगा एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम है सिर्फ सीवीडी के जगह एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल देना अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी एब्जॉर्व कर ली गई और जो इंडिया में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई उसको इनइेक्टिव किया गया तो वो मॉडिफाई कर सकते हैं वो मॉडिफाई कर सकते गवर्नमेंट ओके एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम है एग्जम्शन टू ईयू और एस वही बेटा जो अभी मैंने पढ़ाया okay, जो भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी वो हंड्रेड परसेंट ईओ यू ओके okay, या एस को अप्लीकेबल नहीं होगी लेकिन अगर नोटिफिकेशन कहता है कि ये भी पे करेंगे तो ओके या फिर यह डोमेस्टिक एरिया में क्लियर करते हैं तो वो सिचुएशन में यहां पे उतना प्रोपोर्शन एंटी डंपिंग ड्यूटी कलेक्ट कर लिया जाएगा और वर्ड टू वर्ड सेम वर्ड टू वर्ड सेम और सेकेंड अगर रिवोक होता है टेम्प्ररी तो मैक्सिमम वन ईयर के लिए यह एंटी डंपिंग ड्यूटी रिवोक किया जाएगा डन तो ये हमने देखा कस्टम्स की अमेंडमेंट्स अब आते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 ओके ये एक्सटेंड कर दी गई और ये 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया ओके तो ये तो बेटा आपके बुक में ऑलरेडी अमेंडेड होगा नहीं तो ठीक है ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ठीक है देख लो तो ये ट्रेड पॉलिसी जो है 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया साथ साथ में जो एग्जाम थे आईजीएसटी के वो भी 31 मार्च 2022 तक के एग्जाम कर दिया गया आईजीएसटी के जो आपको एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम या एपीसी स्कीम या क्या एपीसी स्कीम में एडवांस ऑथराइजेशन है एपीसी स्कीम में तो जो आई के एग्जामेशन थे वो ऑन फिजिकल एक्सपोर्ट वो एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 तक उन्होंने ये एग्जाम कर दिया है आईजीएसटी के मतलब ए सी और ए सी डी थ्री नाइन के एग्जामिशन मतलब ए सी और ए सी थ्री नाइन की उन्होंने एक्सटेंड कर दिया गया ठीक <coughs> है अब मैं आपको एक बात कहूंगा कि एफ का शॉर्ट रिविजन एफ का शॉर्ट रिविजन जो है ये आ, मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे कुछ दिनों में इस मंथ के एंड तक ही मैं अपलोड कर दूंगा और लगभग डेढ़ घंटे में मैंने उसका बुक भी मैं अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल यही रहेगा ओके जो आप जहां से अमेंडमेंट डाउनलोड कर रहे हो तो यही टेलीग्राम चैनल जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा फॉर द नोट्स तो उसकी एक समरी नोट्स एज वेल एज ध्यान सुनिएगा उसकी एक समरी नोट्स एज वेल एस उसका वीडियो इसी टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा तो वो समरी वीडियो देख लेना दैट्स इनफ ओके लास्ट टाइम भी मैंने एग्जाम के पहले पूरी एफ की समरी लिया था इस बार भी सेम समरी वीडियो उसमें जहाँ जहाँ अमेंडमेंट हुई है वो चेंज करके सेम समरी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है आप पुराना भी देख सकते हो जो मैंने एग्जाम के पहले दिया था ओके okay, आप सर्च कर सकते हो वी स्मार्ट अकेडेमी चैनल पे वन डे बिफोर एग्ज़ाम में एफटीपी का वन डे बिफोर एग्जाम में एफटीपी का वीडियो अगर आपको नहीं मिलता है तो डोंट वरी ये मंथ के मिड में या एंड तक मैं एफटीपी का समरी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है

Uh, ये आपके लिए छोड़ देता हूं पर ये आपके स्टेचुटरी अपडेट्स में दिया इसलिए प्रायोरिटी बी ओके कहा, कहा कौन कौन से प्रोडक्ट पे रिस्ट्रिक्शन है ओके और कौन कौन से इंडस्ट्री पे रिस्ट्रिक्शन है, है चलो तो यहां हमारी सारी अमेंडमेंट्स कंप्लीट होती है यहां हमारी सारी अमेंडमेंट्स कंप्लीट होती है ठीक है अब बेटा नेक्स्ट uh, सेशन में नेक्स्ट सेशन प्रोबेबली मैं जो है आने वाले संडे को उसमें अगर कुछ कोई क्लैरिफिकेशन रह गया होगा तो वो क्लैरिफिकेशन कवर कर लूगा एक बार मैं देख लेता हूं क्लैरिफिकेशन हमारा रह गया तो नहीं रह गया तो वो मैं क्लैरिफिकेशन कवर कर लूंगा प्लस प्लस मैं कवर करूंगा वेयर हाउसिंग चैप्टर प्लस मैं कवर करूंगा कस्टम्स का वेयर हाउसिंग चैप्टर इसका ये लेक्चर कब होगा प्रोबेबली आने वाले संडे को होगा अगर आने वाले संडे को नहीं हो पाया तो मैं लिंक अकॉर्डिंगली हमारे चैनल पे अपडेट कर दूंगा तो वो लिंक से आपको डेट और टाइम पता चल जाएगा ठीक है तो चलिए अमेंडमेंट्स हमारी यहां कंप्लीट होती है अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो हाँ 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 वो जो भी अभी अमेंडमेंट्स बाकी रह गई है मैं नेक्स्ट सेशन में कवर कर लूंगा जो भी अमेंडमेंट्स बाकी रह गई है मैं नेक्स्ट सेशन में कवर कर लूंगा बेटा क्वेश्चन एंड डिस्कशन अभी मैं रिकॉर्ड करना चालू करूंगा ये सारी अमेंडमेंट्स होने के बाद तो डेली बेसिस पे आधी एक घंटा में रिकॉर्ड करूंगा और ग्रेजुअली वो धीरे धीरे अपडेट होते जाएगा क्वेश्चन एंड डिस्कशन जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है एक बार चेक करता हो बेटा चेक करता हो मुझे स्मार्ट डिजिटल बुक Uh, क्यों नहीं आ रहा है एक बार मैं चेक करता हूँ लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन बेटा आपको हमारे वेबसाइट पे जब भी आप लेक्चर बाय करते हो तो हमारे वेबसाइट पे या लेक्चर का आप हमारे www.vsmartacademy.com पे जाके देखोगे तो वह कॉन्फ़िगरेशन दिया है जब भी आप कोई कोर्स सेलेक्ट करते हो तो वह एक बार देख लीजिएगा सुपर थर्टी फाइव की बुक्स जो होगी फॉर सेल वो कंफर्म नहीं है बेटा क्योंकि इस बार मेरी स्मार्ट गाइड आ रही है तो हमने रेगुलर बुक तो ओपन किया है क्वेश्चंस के लिए पर सुपर थर्टी फाइव की बुक्स आएगी नहीं आएगी वो कंफर्म नहीं है तो चलिए यहाँ हमारी अमेंडमेंट्स कंप्लीट होती है अब जो भी कुछ बचा होगा वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया जाएगा क्योंकि बुक अभी तक इतनी निकली थी अगर कोई पेंडिंग होगा तो मैं वो ऐड कर दूंगा और नेक्स्ट सेशन में वो भी कवर कर लूंगा ठीक है तो चलिए यहां आई होप सारी अमेंडमेंट्स यहां पे आपको समझ में आई होगी अब थर्ड सेशन जो है आपको जरूर देखना है ओके okay, अमेंडमेंट्स का एक्चुअली अमेंडमेंट्स नहीं है वेयर हाउस एक नया चैप्टर उसमें ऐड किया है ठीक है ओके okay, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेटा आएगा आएगा मैं अभी अगर अभी बता दू तो क्या फायदा पूरन आप इंटर में हो या फाइनल में हो हेमंत थैंक्स बेटा थैंक्स <laughs> यस बेटा रीशो मिलेंगे हम न्यू बैच में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये भी बैच ले लो और अमेंडमेंट्स बाद में भी कर सकते हो या फिर आपको नया फ्रेश बैच लगाना है जी का तो मेरा वो नया फ्रेश बैच आएगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल अप्रैल में आएगा बेटा तुरंत सी इंटर डिसम्बर ट्वेंटी एग्जाम के लिए अप्रैल में आएगा बेटा सीएस फाइनल और सीए फाइनल सेम कोर्स है सर आई एम एंजॉइंग यूर जीएसटी लेक्चर ओनली यू आर द बेस्ट फैकल्टी ऑफ जीएसटी ने थैंक यू थैंक यू अंकुश सी ए इंटर की अमेंडमेंट्स दो तीन दिन में आ जाएगी चलिए तो यहां रुकते हैं नेक्स्ट सेशन की अपडेट्स में अकॉर्डिंगली आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा डन थैंक यू बेटा